I think, as I mentioned earlier, we are assembled here to celebrate the Handloom Day, right? The purpose of this is to celebrate and recognize the contribution of the artisans, recognize the contribution of the artisans of the country, artisans of Kashmir, of J&K, in the economic growth of the country. So you all would know that even in the independence movement, the role that the Charkha played in making and India self-reliant. While your question, madam, was the scheme that we have come out, you would also appreciate that in the last year, compared to previous year, this year, our exports have increased significantly, in fact, more than doubled. And a major component of those exports are handicrafts and the handloom from J&K. मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स करने चाहिए, इनका इम्पोर्टेंस ही मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आज से कुछ साल पहले, जब से मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूँ, उससे पहले हैंडीक्राफ्ट्स को शायद ही कोई जानता था, तो ऑलमोस्ट लोगों ने जहन से निकाल दिया था इस चीज़ को कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम भी कोई चीज़ है। तो ऐसे इवेंट्स होने के बाद, चाहे कोई एग्जीबिशन हो या फेयर हो या इस तरह का कोई इवेंट हो, तो इससे गेट टुगेदर जो आप कह रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है लोगों के साथ, आर्टिजन्स का डायरेक्ट, या बायर्स हो या जो अदर डेलीगेट्स हो। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। पहला तो ये एक अच्छा कदम है कि एक ही दिन सब कारीगर एक ही रोज़ अपना ये जो डे है, जिस तरह बागी का डे होता है, इसलिए ये अच्छा हुआ कि कारीगरों के लिए एक दिन रखा, इससे नेशनल हैंडलूम डे रखा। इससे अपने तो हमें एक जगह मिलने का मौका होता है कि एक दूसरे को हम जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है, और इससे कारीगरों को ये फ़ायदा होता है, इनको नेशनल लेवल पर आज देखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा कदम है हैंडलूम डे के बारे में।